वार फिल्म रिलीज हो चुकी है। बॉलीवुड में एक्शन और डांस में माहिर ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ पहली बार साथ में स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। धमाकेदार एक्शन और बेहतरीन डांस गानों के साथ फिल्म क्रिटिक्स ने इस फिल्म को मसाला डोज बताया है। अगर आप एक्शन के शौकीन हैं तो ये फिल्म आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। कई क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 4 स्टार तक दिए हैं। ट्रेंड एनालिस्ट का कहना है कि ऋतिक ने अपने स्टारडम को बहुत कम इस्तेमाल किया है। 3-4 साल में एक ऐसी फिल्म लेकर आ जाते हैं जो उनकी बेहतरीन एक्टिंग का सबूत देती है। एक फिल्म के तौर पर वार एक बार फिर से ये साबित करती है कि ऋतिक एक ज़बरदस्त स्टार हैं। फिल्म में टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन पहले तो गुरु चेले रहते हैं, लेकिन बाद में एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। टाइगर और ऋतिक के बीच एक्शन का भरपूर डोज है, वहीं दोनों का डांस भी ज़बरदस्त है। सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। इस फिल्म में बाइक, कार, हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर में स्टंट हद से ज़्यादा हैं। इस फिल्म में बर्फीले पहाड़, समुंदर और आग के बीच एक्शन सीन्स की भरमार है। इस फिल्म में वाणी कपूर बेहद हॉट अंदाज में नज़र आती हैं। ऋतिक और टाइगर के फैंस के अलावा ये फिल्म सभी को पसंद आ सकती है। टाइगर का एक एक्शन सीन्स 100 घरों के छतों को पार करते हुए दिखाया गया है। ये सीन टाइगर श्रॉफ ने बखूबी निभाया है। फिल्म के डायरेक्टर ने बताया कि इंडिया में ऐसा कोई एक्टर नहीं है जो 100 घरों को पार करते हुए इस एक्शन को कर सकता था। यह फिल्म 3 भाषाओं में रिलीज की गई है, हिंदी, तमिल, तेलुगु। फिल्म में दोनों एक्टर एक दूसरे के सामने जमकर डटे नजर आए हैं। कौन किस पे भारी पड़ा है यह निर्णय आप नहीं ले सकते। कुल मिलाकर ये फिल्म पूरी तरह पैसा वसूल एक्शन फिल्म है जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, पर देखने में आपको निराशा बिल्कुल नहीं होगी। मैं इस फिल्म को दूंगा 4 स्टार। तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।